ये इसका मुख्तसर जवाब ये है कि इसका मेन इमरान खान, इमरान खान वजह इसकी, हाँ वजह इसकी, ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। वो लोग ऐसे हैं, मैं बताता हूँ, वो लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है, जिन्होंने डाका जरा किया था। कौन है वो लोग, कौन है, नाम बताओ, कौन से मुल्क से हैं? ये जाहिर बात है, इंडिया हमारा असली दुश्मन है, इंडिया हमारा असली दुश्मन है। राम राम जी। तो भाई पाकिस्तान के एक और पार्ट अलग देश बनने जा रहा है, जैसे बांग्लादेश बना था, अब बनने जा रहा है सिंध, यानी कि जो जिसमें हिंदू रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम है जो पाकिस्तानी, उनको ही नहीं वहां पर आटा मिल रहा है, तो भाई सिंधुओं को कैसे आटा मिलेगा, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो पाकिस्तानी जनता इसके ऊपर क्या राय देती है, वीडियो शुरू करते हैं। देखें जी, जहां ज्यादती है वहां उसका ज्यादा होना चाहिए। क्या फिर सिंध के लोगों को कह रहे हैं कि वजह नहीं दी जा रही, नहीं देनी चाहिए, देखो जो उनका बुनियादी हक है उन्हें मिलना चाहिए, मगर उनके मुंह से जब भी निकले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकलना चाहिए। बस हवा निकल गई, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे तो हमारा, लेकिन वो नारा ये तो नहीं लगा रहे, वो कह रहे सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं। नहीं नहीं, वो मेरी बात सुने, चंद शायद पसंद लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो लोग ऐसे हैं, मैं बताता हूँ, वो लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है, जिन्होंने डाका जदा किया था। कौन है वो लोग, कौन है, नाम बताओ, कौन से मुल्क से हैं? जाहिर बात है, इंडिया हमारा असली दुश्मन है, इंडिया हमारा असली दुश्मन है। अच्छा। और वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। यार इंडिया पे क्यों हमारा ध्यान जाता है, जब भी कोई चीज होती है वो इंडिया पे सीधा ब्लेम करते हैं, क्या वजह लगती है? जब भी कोई भी यहाँ पे हंगामा होता है, शोर शराबा होता है, तो जब भी उसका रिजल्ट निकाला जाता है तो वो इंडिया से ही उसका सुराग मिलता है। आपने कहा इंडिया का हाथ है, ठीक है मान लेता हूँ मैं इंडिया का हाथ है, लेकिन लोग तो सिंधी के हैं ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, यार ये नहीं हो रहा, अब इतना बड़ा तरीके इंडिया तो नहीं जाता ना सिंध में आके, इंडिया की इतनी पावर तो नहीं है कि पाकिस्तान में आगे चलाई इस तरह की तंजीमें। देखें बात ये है कि बाद लोग हैं लालची हैं, लालची लोग हैं बाद, वो उनके आलाकार बन जाते हैं। आपको लगता है जो हुकूमत है वो तवज्जो नहीं दे रही, अगर हुकूमत उनके मसाइल पूरे करते तो ये नारा लगाना बंद कर दें? हाँ ये ऑप्शन है, जो भी हमारी हुकूमत वक्त है उसके उसे चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें ऐसी करें कि जैसे मिसाल के तौर पर, तो ये करके देखिए ना, तो आप हम फिर इंडिया पे क्यों ब्लेम करें, पहले खुद हम लोग ये करके देख लें फिर हम इंडिया पे ब्लेम भी करें। मेरी बात सुनो, शरारत जो भी होती है ना वो इंडिया की तरफ से होती है। अच्छा। ठीक है, समझ गया। इंडिया हमारा काफर दुश्मन है, और बात ये है कि उसमें एतमाद नहीं किया जा सकता, मगर जहाँ तक ये जो चंद लोग हैं इनसे मीटिंग की जाए, उन्हें पूछा जाए भी क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो तो बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सारी, मैं तो बता रहा हूँ आपको। बात यह है कि जहाँ तक एशिया का तलक है, चीज़ों का तलक है, आवाम को घी आटा चीनी जो कुछ भी है, मत कहीं है ना कसूर, मैं कह रहा हूँ। देखिए बात यह कि भूखे पेट कोई किसी के साथ नहीं चलता। मिसाल के तौर पे हमारे बड़े पीछे पता क्या कहते थे, हमारे बड़े पीछे कहते थे कि एक बंदा कमाता है तो पूरा खानदान खाता है, मगर यहाँ उल्ट हो गया है, जो भी हुकूमत आती है वो आम दोस्त बनने का कहती है मगर करती कुछ नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये इसका मुख्तसर जवाब ये है कि इसका मेन इमरान खान वजह इसकी, हाँ वजह इसकी, ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। वही ना टुकड़े, बलोचिस्तान के लोग पहले इलाज कर रहे थे, गिलगित के भी कर रहे हैं, सिंध के भी कर रहे हैं, तो फिर क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए आपके लिहाज से? मिल बैठ के बात करनी चाहिए। कल को पंजाब के लोग भी उठ जाएंगे फिर, तो यार अभी सिंध के भी उठ गए, बलोचिस्तान के भी उठ गए, गिलगित के भी उठ गए। हाँ खुश है पंजाब से? हाँ नहीं है। कि हम क्या कह रहे हैं, मैं कि पंजाब में आप रह के खुश है, पंजाब में रह के? हाँ खुश हूँ, खुश है, अल्लाह का शुक्र है। सिंध के क्यों नहीं खुश है फिर? क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? सिंध के लोग क्यों नहीं खुश है? कौन कौन को हकूक नहीं मिल रहे, इसलिए आप आया, ये हुआ वो कुछ नहीं किया। अच्छा। ये चल चाहे कोई भी पार्टी हो। अब कई लोग कहते हैं ना कि यार सिंध के लोग अगर वो उठ खड़े हो रहे हैं, आवाज अपनी उठा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इसके पीछे इंडिया का हाथ है, इंडिया करवा रहे हैं इनसे, ये ऐसा लगता है आपको? क्या कहेंगे, इंडिया करवा रहा है? हाँ लोग कहते हैं कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे, ये लोग जो कह रहे हैं ना हमें हक नहीं मिल रहा है, ये एजेंसियों का हाथ होता है। एजेंसियों का। अच्छा कौन सी एजेंसी? ये तो नहीं हमें पता एजेंसी, मतलब इसके बारे में इल्म नहीं। कराची में जो कुछ हो रहा है या सिंध में हो रहा है वो इसका आपको पता है? इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है सारा कुछ, ये एजेंसियां होती हैं इंडिया की, मिल गिल के ना एजेंसियां कराती हैं। अब मुझे आप सवाल करें, मैं ये जवाब दे रहा हूँ, बताएं ये जो आप कर रहे हैं इस पर कोई अमल भी होगा या नहीं? किस बात पे अमल होगा? जो ये कर रहे हैं आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस पर अमल होगा या नहीं? आप बताएं ना अपनी बात, आपके टाइम नहीं जाया कर रहे आप बताएं ना, क्या आप क्या चाहते हैं? ये जो आप टाइम जाया करते हैं, टाइम जाया नहीं कर रहे हैं आप, बात जाएगी ये पूरे लोग देखेंगे देखेंगे तो फिर अमल अमल ये तो हुकूमत का काम है ना, है हुकूमत का काम है ना, करे या ना करे, हमारी तो काम है बात उठाना।
करेंगे बात आप जाकर लाए कि हमें हक नहीं मिल रहे हैं और सिंधु देश के नारे मार रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई है? वो चोर तो हैदर दारी साहब से भरा डाकू है, बिलावल भी डाकू है, बेटा भी बेटा वजीर खारजा खुद सदर है, डाकू सबसे बड़ा है और वजीर आजम सबसे बड़ा चोर है हमारे लाहौर का। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिसका नाम है शिवाजी, तो फिर इसको लाए क्यों हम लोग? हम थोड़ी लाए हैं, पहले भी तो आते रहे हैं ना। अच्छा 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 अभी चल रहा है। अच्छा मुझे कभी अपने हलकों में उसने दौरा नहीं किया। अच्छा ये लोग जो इत्तेजाज कर रहे हैं, अब हुकूमत को क्या चाहिए? आगे बलोचिस्तान के लोग भी इत्तेजाज कर रहे थे, वो गिलगित के भी लोग इत्तेजाज कर रहे थे, अब ये सिंध के भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के करीब आ जा रहा है। क्यों आज नौबत क्यों आ रही है? ये तो मुझे लग रहा है माशाल्लाह लगा गई क्या बताने वाली, माशाल्लाह लगेगी, माशाल्लाह लगेगा। अच्छा तो आप क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे यार सिंध को, ये इस तरह की चीजें हो रही हैं? मैं तो ये पैगाम दूंगा सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, कि वो नोटिस ले और इनको उतारे। अच्छा और फिर दोबारा हुकूमत नहीं आए? लग रहा है कि बाकी सिंध में या पूरे पाकिस्तान में लोगों को हक ही मिल रहे हैं? नहीं, किसी जगह पे नहीं मिल रहा हक। आपको क्या मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा, मतलब मैं मिसाल के तौर पर क्या क्या मुश्किलात हो रही सामना सामना यही है आवाम को खुश रखना। आटा नहीं मिल रहा, मेरे को मूल नहीं मिल रहा आटा, जो गरीब जाता है लोगों ने आटा नहीं मिल रहा, लहरों में लगे हैं, ये काम नहीं है, जिसको पर महंगाई करी जा रही है, किसी को पूछता नहीं, रास्ते नहीं, क्या करेंगे आप? बाकी है हुकूमत वजह नहीं दे रही। कहना चाहता हूँ बात इस तरह की, लड़ाई इनकी अपनी है, अपने मामला है, पीछे हम लोग जा रहे हैं, अब शिनाती कार्ड की नकल लेके आटा दे रहे हैं, लोगों के हाथों में पैसे हैं। ये भाई ने बात की है ना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पैसे लोगों के हाथों में आटा नहीं मिल रहे। आटा पड़ा हुआ अरबों खरबों का रुपया का पड़ा हुआ, स्टॉक किया हुआ लोगों ने, महंगा होगा बेचारा। क्यों किया हुआ, आवाम को क्यों नहीं दे रहे यार? पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आटा मांग रही तो नहीं मिल रहा। इमरान इमरान खान दिन चोर है। हाँ हुक्मरान चोर है। चलो ये तो आटे की तरफ बात चलेगी, मेरा जो सवाल था अंकल वो ये था कि सिंध में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लोग कह रहे हैं कि हमें हक नहीं मिल रहे हैं, उधर अभी फंड जो है वो भी खाक हो गया जो सलाब आया, तो सिंधु देश के नारे लगा रहे हैं, क्या वजह? यार इसकी वजह पता क्या है? एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, हम लोग खुद बेवकूफ हैं, उनके पीछे पागल बनाया हुआ है, आवाम को पागल बनाया, रात को बैठ कर इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे जैशी करते हैं, आवाम को पागल बनाया। एक है बिल्कुल समझ रहे हैं ना, चार साल आपके हैं, तीन साल उसके हैं, दो साल उसके हैं, चार साल इसके, इनकी बारियां लगी हुई हैं, बेकुम हम लोग बने हुए हैं। सीधी बात, सही बात है। कह रहे हैं ना कि ये इंडिया करवा रहा है। नहीं नहीं, इंडिया कौन सा करवा रहा है? इंडिया का आप इसको बुरा कह रहे हो, वो उसको बुरा कह रहे हैं, परेशान तो आवाम हो रही है। इंडिया पे क्यों जान लगाते हैं? किस चीज का? कोई भी काम हो जाए पाकिस्तान में, कुछ चीज गलत हो जाए, ये हो जाए, इंडिया मुहाल मुल्क है ना, देख रहे हैं, एक बंदा मुहाल जिसने पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, लोग सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं जी, मैच देखना जी, रोटी खाने में भूल जाते हैं, नाम उस पर लग रहा है, किसी का कोई तलक नहीं, सिर्फ हम लोग खुद ठीक हो जाए, जब इलेक्शन आए घरों से ना निकले। ओके लाफि, अच्छा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिया मतलब क्या आप कह रहे हैं? तो फिर आवाम को इंडिया क्यों दिखाया जाता है? हुकूमत इंडिया इंडिया क्यों करती है? ये इंडिया ने करवा दिया, वो यूदी साजिश हो गई है, वो फरानी साजिश, ये बस ये सियासत है, सियासत है, ये सियासत है। अब अपने मुल्क का ये रोला खत्म नहीं हो रहा, दूसरे मुल्क ऊपर रोला फेंक रहे हैं, को उधर आवाम का ध्यान उधर हो जाए। अच्छा ये सिंध में अब जो हो रहे हैं इसके पीछे आपको हुकूमत का कसूर लग रहा है कि वो लग रहा है इंडिया हुकूमत का कसूर है? हर बात का हुकूमत के पास ओल्ड है, तो आवाम के पास नहीं चाहिए ना। आपको पंजाब में रहते हैं, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा फिलहाल? बहुत मुश्किलों का, मतलब दिहाड़ी सही लग रही है? नहीं, दिहाड़ी कहाँ सही लग रही है। अच्छा हम इधर मजदूरी कर रहे हैं, शाम को सुबह को आते हैं, मजदूरी ढूंढते हैं, और फिर मिल जाती मजदूरी, वो आगे 700 का काम होता है, फिर कहना भाई 500 लेना है, चल वो आदमी मजबूर है, वो चल पड़ता है, चलो यार शाम का चूल्हा तो बलेगा ना। तो भाई ये थी राय पाकिस्तानी जनता की, और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई धीरे धीरे पाकिस्तान की जो जनता है वो जागरूक हो रही है, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाई हुई थी, जो इनके हुक्मरान थे कि भाई इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उससे ये कहीं ना कहीं बाहर निकली, और उससे बाहर निकलने का सबसे मेन रीजन है वो भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसको लोग किनारे कर रहे हैं, और जो यूट्यूबर है जो यानी कि फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल आवाम के जो रिएक्शन है उसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उससे पता लगता है कि भाई जो जनता है वो सरकार के प्रति, आज तक आपने जितने भी रिएक्शन देखे होंगे सभी ने पाकिस्तानी जनता का नाता कि भाई हमारे आवाम आज तक 76 सालों के भाई जितने भी आए हैं सभी के सभी निकम्मे और नकारा आए हैं, उनकी वजह से भाई पाकिस्तान देश पीछे है, क्योंकि भाई जब तक कोई योजना या कुछ नहीं आएगा तो आदमी आम इंसान क्या कर लेगा भाई, वो ही कहावत है जैसा देश वैसा भेष। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में रखे, जय हिंद जय भारत।